गोवा में मजे कर रहे हैं माँ बेटा, तो गोवन फिश थाली इन्होंने खाना शुरू कर दिया। मेरी बहन का तिल बड़ा हो गया, मुझे मेरा भाई मिल गया। इतनी अच्छी चीजें लेके कैसे जाएं? चलते हैं जहाँ पे हमारी शादी हुई थी। बाप रे। सो गाइस, गोवा में मजे कर रहे हैं माँ बेटा, है ना बेटे? पापा ऊपर बैठे फोन पे लगे हुए, लेकिन हम जिंदगी के मजे लूट रहे भाई। सो गाइस, बड़ी देर बाद मुश्किल से मौका मिला है, क्योंकि गोला आगे गया हर्ष के साथ और हम आइसक्रीम खाने लगे हैं, क्योंकि अगर हम आइसक्रीम खाते हैं ना तो बच्चा भी पीछे पड़ जाता है और बच्चे को आइसक्रीम देनी नहीं है, तो हम लोग खाएंगे। अच्छी आइसक्रीम कौन सी है सबसे ज्यादा? ये कौन सा फ्लेवर है? आइसक्रीम। ओके ठीक है, मुन्ना भैया कौन सी? अबे जल्दी बोल, पिक्चर खत्म हो जाएगी। अरे बोल भैया कौन सी आइसक्रीम सिलेक्ट करने में इतना टाइम, तो फिर लड़की का क्या होगा? भाई दो दे दो है। पांडे जी आओ, छोटा बच्चा जान के कौन सी आइसक्रीम खाओगे? इन्होंने आइसक्रीम इतनी देर बाद दी, उससे पहले इतनी बातें की। देखो वीडियो के अंदर वीडियो, मेरे आइसक्रीम तो दो। यस। खोल के दो। हे 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 हे, मुस्कुराओ। पैर कहाँ है बाबू के? पैर कहाँ है? ये रेती फेंकता है लोगों की आंखों में, भाई आंख में धूल झोंकने के काम। लोगों को ले कीड़ा है उसमें। कीड़ू कुछ बच्चे होते हैं ना, बाहर लेके जाने लायक ही नहीं होते, कैसे तिरछी। अरे बाप रे बाप, माँ पे इतनी धूल फेंक रहा है। गुंडा गर्दी है ये, विशुद्ध गुंडा गर्दी है ये। Next morning. बच। गोले आपकी मम्मी का नाम क्या है? नानी। अरे भारती, मम्मी का नाम क्या है? नानी। पापा का नाम क्या है? शन। क्या शन? शामुना। शामुना, ये कौन है भाई? तेरा पति बनाई जा रहा है श्यामलाल। कौन है शामुना? शंबताता। आज बस कुछ नहीं, आज यहाँ से निकलना है, आज यहाँ पे शादी है और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और दूल्हा दुल्हन के मम्मी डैडी ने हमें इनवाइट भी किया रात को, बट हमने बोला हम कल जा रहे हैं। बट वो कहते हैं ना कि आप गोवा आओ या अमेरिका जाओ, आप दिल से जैसे हो वैसे ही रहना चाहिए। ओ मैं कैजी हूँ। गाड़ी गाड़ी का जिद्दी बच्चा ही है। बाप रे गर्मी कितनी जा रही है। सो गाइस, ला कबाना को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। माइंड ब्लोइंग जगह है, मैं तो दोबारा फिर आने वाली हूँ और फैमिली को लेके आएंगे, क्योंकि बड़ी शांति वाली जगह है और बेस्ट प्लेस है वेडिंग के लिए। गोवा डेस्टिनेशन वेडिंग जिसने करनी है ला कबाना में आ जाइए। हम नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अगर आप हमारे थ्रू आएंगे तो भाई डिस्काउंट मिलना चाहिए। 100% मिलेगा मैडम। सो गाइस प्लीज, जिसने भी गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, प्लीज ला कबाना में जरूर आइए। माइंड ब्लोइंग जगह है, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती। आप आइए, बियर पिए और सामने समुंदर में नहाइए। अरे अरे भाई हटो ना, केकड़ा दिख गया पहले। ये है समुंदर। तो चलिए जी, ला कबाना को बाय बाय कहते हैं और चलते हैं अपनी पुरानी जगह जहाँ पे हमारी शादी हुई थी, अडामो। लेने आ गए हमें। ये देखो भी शादी की तैयारियां हो रही हैं, हम जा रहे हैं, हम होते तो हम भी आते। चलो कोई बात, नेक्स्ट वाली करोगे तो फिर शूटिंग वालों ने हमें पैसों के लिए रोक देना। दीदी वाह दीदी, सामने पति खड़ा है और ऐसी बातें। हां ये देखो भाई, गोवा आके सब अपने अपने विचार बदल जाते हैं। सो गाइस, ब्लॉग तो मैंने रात को शुरू कर दिया था, आपने देखा होगा हम बीच पे गए, यार बड़ा मजा आया। कल थोड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। बाय बाय कर दो गले। बाय।
तो गाइज मैं आ गई हूँ अर्जुना, मेरी फेवरेट प्लेस, और यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं, माइंड ब्लोइंग यार। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मेहनत करते हैं, बट इतनी अच्छी चीज़ें लेके कैसे जाएं? I will bubble wrap them properly. हाँ, बट फ्लाइट में जो बबल रैप होगा ना वो जबल रैप हो जाएगा। वो भी है, बट ऐसा है कि आप इसको अपने किसी टॉवल से किसी से फोल्ड करके लाइक रैप कर लो और हैंड कैरी में कैरी, मतलब ले जाओ। yes. इतनी गर्मी में यहाँ पे बैठे। हाय भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? नाम नील। आप गोवा से ही हैं? ये क्या है भाई, कपड़ा सेम कैप भी है? हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे गोवा में गर्मी होती है और बीच पे जाते वक्त बहुत धूप भी गिरता है, तो फिर यहाँ पे लोगों को बहुत पसंद आता है सेम मैचिंग शर्ट एंड देन मैचिंग हैट। मुझे डालना है, मेरा कवर होगा कि नहीं जूड़े से? थोड़ा फिट करना पड़ेगा, बट या हो गया, लेकिन इनके सर के हिसाब से कवर हो गया, इनको धूप नहीं लगेगी, मुझे लगेगा। जो भी गोवा में है ना लोग, आठ जूना जरूर आए, क्योंकि आठ जूना में लोगों ने जो आठ लगाया है, इस लड़की ने ये बोतल दो बार खुलवा दिया जबकि ये पीने वाला था। हर्ष को भी लगा कि खरीद सकते हैं क्या, ये कितना सही डिजाइन है यार, पूरा आपको ऐसा कार्टून वाली फील आ जाती है। देखो यार भाई, ये इन्होंने बनाया और फिर खुद ही रख लिया, बेचा। पसंद आ गया? यू वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। इन्होंने कुछ भी नहीं लेना होता, जस्ट बस। मैं समझ गई भाई। सो ये जो सुंदर सी ब्यूटीफुल लड़की है, ये हमें इसमें से बॉक्स दे। नहीं नहीं, वो तो चाचा लग रहे हैं, चाचा। वो लड़की भी कहती है यस माय चाचा। सो ये हमें एक बॉक्स देंगी, उसके बीच में हमें पेंटिंग करनी है। मैं ये दीदी को जब भी देखती हूँ मुझे मेरी बहन याद आ जाती है, ऐसे लगता है मेरी बहन का तिल बड़ा हो गया। ये है उड़ीसा की पिंकी। ना उसको बात आ रही है ना मुझे, तो बाय। सो गाइस, हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम लंदन फिर से हम मिले हैं। हाय सेक्सी लेडी, ओ हैंडसम हंग, हाय हैंडसम। क्या बात है यार, इसे कहते हैं लाइफ, लाइफ लाइफ। जिंदगी हो तो ऐसी हो। मुझे मेरा भाई मिल गया, सेम दांत वाला। मेरे भी दांत खुले हैं ना, आपके भी दिखाओ भाई। पैसा बहुत है आपके पास? नहीं, पीछे पैसा बहुत है, बस आगे ही नहीं आ रहा, पीछे तो बहुत है। हम आ गए अपने हैप्पी प्लेस पे। हैप्पी 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 यार, ये मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कितना अच्छा है। हाँ। अब ये अनफॉर्चुनेटली जब मैं लैपटॉप में काम करूंगा तो ऐसा दिखेगा, उल्टा उल्टा दिखेगा। ये देखो ये देखो ये देखो, शक्ति शक्ति और माता रानी के भक्त ने हाथ दिया और वो पहुंच गया। हमारा थोड़ा अभी नाराजगी चल रही है। चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसको मेरे बाल खींचने वाले। निगाह देख, क्या कह रहे हैं, बाल खींचने। ओह नो, क्यों देख रही है? क्या मारता है? नाखून मारता है। पहले तूने क्या बोला? क्या मारा? साढ़े छे कुंदी ताड़ी की नख हुंदा है। क्यों मार रहा है भाई, मार क्यों रहा है? मारो वर ने તમે નખ મારે છે? શું નખી માર માર મારો વર ને તને છીલ દેને છે? મારો વર છે લેસુન નહીં, જે તને નખ મારે છે। પપ્પી કો ક્યા બોલતે હૈ? પપ્પી કો ક્યા બોલતે હૈ? એ ગુજરાતી મે પપ્પી। પપ્પી ક્યા મુન્ના? કિસ કેતે? કિસ શાબાશ બેટા, બહોત બઢિયા મુન્ના। મારો વર ને નખ નહીં નથી મારુ છુ, પપ્પીયા દે છે। ઓર મુન્ના કી યે નિકર कृष्णा, लग रहा मैगी के पैकेट छुपा के लेके जा रहा है। मैं जब भी देखती हूँ मैं यही बोलती हूँ। क्या लगाना है? क्या लगाओ? चलिए जी, नहा धो लिया है, अब मैं जा रही हूँ नीचे खाना खाने। अभी हर्ष ने एक फिश थाली मंगाई है, गोवन फिश थाली, मैं आपको दिखाती हूँ जाके, बहुत माइंड ब्लोइंग होती है। तो चलिए जी, मैं नीचे पहुँच गई हूँ और आते ही बैठते ही मेरी फिश थाली आ गई है, और इन्होंने वेट नहीं किया, इन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो मैं नायक भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे आधी चीज़ें पता नहीं इस थाली में क्या है। ये है गोवन फिश थाली, ये है राइस, स्टीम राइस,
और ये सोल कड़ी है, सोल कड़ी, सोल कड़ी, और ये किंगफिश, पिकल, पिकल, कचुंबर, हाँ, फिश करी, हाँ, वेजिटेबल पोटैटो भाजी, हाँ, और ड्राई प्रॉन्स की, वाह। मैं दिखा रही हूँ ना, अभी पहले ही हाथ मारी जान दिया, रुक जा। बोल कुछ, बोल। कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ खाऊंगी। मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया था, सब सो गए, मैं अब पैकिंग बुकिंग करके एकदम सोने लगी हूँ। कल हमारी फ्लाइट है, गोला और हर्ष सो चुका है, सब सो चुके हैं, गाड़ी सुबह चली जाएगी। धीरे बोलती हूँ, बाय बाय बाय। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, देख लो क्या हाल होता है। बाय, कल बॉम्बे। घबराए पड़े कि हम इनके फैन हैं। स्माइल 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 क्यों नहीं किया? अरे भाई वो घबरा ही गया। स्माइल, हाँ।